देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो। ललन सिंह का इस्तीफा, नीतीश का खेल। ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, अब नीतीश के हाथ में जेडीयू। क्या पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं नीतीश? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ सिरा। खबर बहुत बड़ी आ रही है बिहार से। इस समय बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है, क्योंकि अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको यह समझना होगा, जिस तरीके से अब सुर्खियां बन रही है, कहीं ना कहीं अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार किस बात का डर था कि उन्होंने ललन सिंह से इस्तीफा दिलवा दिया? और वही अब यह भी सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन तोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं? ये तमाम सवाल है कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, और इस सवाल के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की हमारी खास मेहमान नेहा जी से। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार में जो है सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, और उससे पहले जो है कार्यकारिणी बैठक में, जेडीयू के कार्यकारिणी बैठक में जिस तरीके से ललन सिंह ने अपना इस्तीफा खुद सौंपा, उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि मैं चाहता हूं नीतीश कुमार जो है वो पार्टी अध्यक्ष का पद है उसको संभाले, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर वाकई में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी से अध्यक्ष पद को छोड़ देना, और जहां दूसरी तरफ ये देखा जा रहा था कि जब हाल फिलहाल में ही यहाँ पर नीतीश कुमार और ललन सिंह की आधे घंटे तक जो बैठक हुई थी, जब यहाँ पर पूछा गया तो ये बताया गया कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। देखिए, यहाँ पर इस्तीफा देने की तैयारी हो रही थी, लेकिन यहाँ किसी को भी दूर दूर तक ये खबर नहीं पता होने दी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हालांकि देखिए, यहाँ तो अटकल और कयासों का बाजार इस राजनीति में गर्म होता रहता है, तो वो पहले ही यहाँ पर पता चल गया था कि इस्तीफा हो सकता है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी से कोई गलती ना हो जाए, या फिर कोई ऐसा बयान ना दे दें जिससे कि लोकसभा चुनाव में वो काफी ज्यादा यहाँ पर नजरों में आते मिले। ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, यहाँ पर ललन सिंह खुद इस बात को कहते नजर आए हैं कि लोकसभा चुनाव में बढ़ती जिम्मेदारी की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं अपने अध्यक्ष पद से। लेकिन अगर नजर डाली जाए कि इस्तीफा दिया नहीं है, दिलवाया गया है। 16 सांसद में से 13 सांसद उनके खिलाफ थे, जो कि यहाँ पर जिन्होंने ये बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि जो ललन सिंह है उनका जो नेचर है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला उनका बिहेवियर है, वो अपने बाकी के जो सांसद है उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। बैठक होती है तो उसमें बातें नहीं मानते हैं, अपनी अपनी राय यहाँ पर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि एनडीए गठबंधन को छोड़कर यहाँ महागठबंधन बना लेना चाहिए, इस बात से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामने नहीं लेकिन पीछे से काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उनके जो डिसीजन होते थे वो बिल्कुल काफी ज्यादा अलग होते थे, जिस वजह से यहाँ पार्टी के सांसदों को ये लगता था कि ये बगावती वाले यहाँ पर उनके जो बयान होते हैं बगावती वाले बयान है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखा जाए सिराज, जो आप इन सारे कारणों को भी साइड में रख दीजिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ललन सिंह की नजदीकी लालू प्रसाद यादव से हो रही थी, सबसे बड़ा डर यहाँ नीतीश कुमार को यही डर था कि बाई चांस अगर बगावती यहाँ पर कर गए ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार की पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ लगता नजर आ सकता था। आपको तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे, और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में यह डर था कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के दो टुकड़े ना हो जाए, अपने विधायकों के साथ वो आरजेडी में शामिल ना हो जाए। लेकिन बात आपने की, जिस तरीके से ललन सिंह यादव जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलेंगी, लेकिन वहीं कल के बयान देखे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सामान्य सी बैठक है, इसमें कोई भी एक बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। लेकिन और आज जिस तरीके से उन्होंने खुद अपना इस्तीफा सौंपा, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ललन सिंह को यह खुद ही
विश्वास नहीं था कि मैं कल इस्तीफा देने वाला हूं या फिर उनसे दिलवाया गया है। देखिए ये राजनीति ऐसे राज इस राजनीति में कहते कुछ हो रहे और होता कुछ हो रहा है। आपने अभी बताया था, आप जिक्र भी कर रहे थे कि राजनीति में दो राज्य सबसे पहले यहां पर गिने जाते हैं जहां पर 2400 घंटे और 12 महीने राजनीति गरमाई रहती है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर बिहार है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में रातों रात सत्ता बदल गई थी। आपने देखा भी होगा एकनाथ शिंदे यहां अपने विधायकों के संग मिलकर उद्धव ठाकरे को धोखा दे गए थे, यहां पर देखा होगा आपने। ठीक इसी तरह यहां बिहार में भी देखने को मिल सकता है कई बार, और यही डर था नीतीश कुमार को क्योंकि इस राजनीति में सारा खेल विधायकों का होता है। जिसके पास ज्यादा विधायक वो राजा होता है। और नीतीश कुमार, जैसे कि अभी आपने कहा, नीतीश कुमार को ये डर था कि कहीं उनकी पार्टी यहां दो धड़ों में ना बट जाए, इसी वजह से यहां पर देखा गया था कि ये जो इस्तीफे वाली बात हुई, जैसे कि अभी आपने एक मीटिंग की बात करी, ये इस मीटिंग में तय हो चुका था। और ऐसा नहीं है कि ललन सिंह को नहीं पता था, हर किसी को पता रहता है कि क्या बात चल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए वार्तालाप से पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। और राजनीति में तो वैसे भी बाद में पता चलता है कि ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और इस्तीफे को लेकर इसमें बात होनी थी। लेकिन आपने जिक्र किया किस तरीके से जो है पोस्टर, जो कार्यकारिणी की बैठक थी वहां पे पोस्टर लगाए गए थे कि प्रदेश ने जाना अब देश भी पहचानेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, क्या जेडीयू नेता या नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कि देश के अगले पीएम बने, पीएम उम्मीदवारी में उनका नाम आगे हो? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं खड़गे का नाम आगे किया, उसके बाद से लालू और नीतीश में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी और उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की, और ऐसे में ललन सिंह वहां पे जो है कुछ खास नहीं कर पाए थे। ललन सिंह को कहीं ना कहीं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते कुछ बोलना था लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें पीछे नजर आए, और खासतौर पर लालू यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कल तक जो ललन सिंह ये कह रहे थे कि सामान्य सी बैठक है लेकिन आज वो खुद कह रहे थे कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, और फिर सुर्खियां बन रही, नीतीश कुमार ने खुद बयान दिया कि ललन सिंह काफी दिनों से सोच रहे थे इस्तीफा देने की और वो कह रहे थे इस्तीफा देने की, मैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं माने, लेकिन कल बोल रहे थे सामान्य सी बैठक है, तो इसमें आपको कुछ झोल नहीं लगता? देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव के लिए जितनी भी राजनीतिक दल है वो इस वक्त कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बिजी होते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल की, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर एक एक कदम फूंक कर रख रही है। तो क्यों यहाँ पर चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, तमाम पार्टियां यहाँ लोकसभा चुनाव को देखकर चल रही है। बात आपने यहाँ पर करी पीएम दावेदार के लिए, बिल्कुल यहाँ नीतीश कुमार के नाम को काफी ज्यादा आगे रखा जा रहा है। और देखिए जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उस दौरान ममता बनर्जी ने अगर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका नाम अगर इस पद के लिए आगे रखा तो कहीं ना कहीं कुछ तो सोच समझ कर रखा ही होगा। बेशक इसमें कितने ही नेता यहाँ पर नाराज हो गए थे, नीतीश कुमार भी जैसे कि आपने अभी बताया, लालू प्रसाद यादव भी नाराज हो गए थे। देखिए पीएम का पद कोई राज्य के सीएम वाला पद नहीं है, ये पीएम पद है, मुझे लगता है कि सर्वोच्च पद है यहाँ पर। जरूरी नहीं कि किसी देश का यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो पीएम के पद पर भी बैठकर अच्छे से देश को संभाल सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात के सीएम ही थे तभी वो पीएम पद पर बैठे, बिल्कुल यहाँ पर इस बात को भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें जिस नाम को तय किया जाएगा वही सबको मानना पड़ेगा, और इसमें नाराजगी तो देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। यहाँ देखा गया था, आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि मोहन यादव का नाम जब सामने आया था तो शिवराज सिंह चौहान भी नाराज हो गए थे, कहीं ना कहीं सिंधिया भी नाराज हो गए थे। तो ये नाराजगी राजनीति में चलती रहती है। और देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक में जो पीएम के दावेदार के लिए सही इंसान सही व्यक्ति रहेगा उसको ही चुना जाएगा। रही बात यहाँ पर आपने बात करी शिष्टाचार मुलाकात की, बिल्कुल यहाँ पर जब ललन सिंह से पूछा गया था कि ये कैसी मीटिंग है यहाँ पर, तब उन्होंने कहा था कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन आज अचानक से इस्तीफा हो जाना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छुपा जरूर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर छुपाया जा रहा है। आपने देखा भी होगा जैसे कि मैंने अभी बताया, एक तरफ ललन सिंह कहते हैं कि लोकसभा चुनावों की बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ यह सुनने को मिल रहा है कि इस्तीफा उनसे दिलवाया गया है क्योंकि 13 सांसद उनके खिलाफ खड़े थे। सांसदों ने यहाँ पर यह बात तक कह दी थी कि अगर ललन सिंह पार्टी से नहीं जाएंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये डर था नीतीश कुमार को कि ललन सिंह अगर ज्यादा दिन पार्टी में रुक गए तो लोकसभा चुनाव में इस बार उनका खेल हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने समझा नेहा जी से किस तरीके से नीतीश कुमार को इस बात का डर था कि लोकसभा चुनाव से पहले
उनकी पार्टी टूट सकती है और ललन सिंह की लालू यादव के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी। वहीं विधायकों की माने तो विधायक और जो मंत्री हैं वो साफ तौर पर ललन सिंह पर आरोप लगा रहे थे कि उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, बदलाव हुआ है और वो एटीट्यूड करते हैं कहीं ना कहीं जो बाकी नेता है उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। यही वो कारण है कि अब नेताओं ने शिकायत की नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार अब खुद ही जो है पार्टी अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल अब उठेंगे और भी, क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में पीएम दावेदारी के लिए जो कहीं ना कहीं अपना नाम आगे कर सकते हैं या फिर वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आएंगे फिर किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।